तेरे नाम जा रहे हैं पहले बता देना पक्का ना ठीक है चलो पैसा दो पैसा दो पैसा देखे जाओ पैसा देखा नहीं जाना पैसा दो ए पैसा दे रे रे पैसा दे एक आदमी मिलके खा ही नहीं सकता इसको खाने के लिए दो आदमी चाहिए फिर भी मैडम ने अकेली इसको खा गया आगे वीडियो में देखो हेलो भैया हेलो सो गाइस फाइनली इतने देर बाद इसने खाना स्टार्ट कर दिया था लेकिन फिर कैमरा को देख कर दो मिनट बाद फिर इसने लड़ाई स्टार्ट कर दी कि नहीं कैमरा सही से रखो केवल मेरे को फोकस कर रहे हो दोनों को फोकस करो तो फिर मैंने सोचा कि चलो कैमरा को एडजस्ट करके फिर रीशूट करते स्टार्ट करते तो फिर मैंने कैमरा को एडजस्ट किया और फिर अपना शूट स्टार्ट किया बाकी आप आगे इन्जॉय करो महारानी का इतना भी ख़त्म नहीं हुआ इनको खाने के टाइम पे भी पोज देना और कुछ नहीं करना खाते खाते ये नहीं केवल खाना फोकस करें पोज देते हुए खाएं भाई कैसे लोग हैं इस दुनिया में फिर मैंने भी ट्राई किया गाइस पहली बार कि हाथ से खाऊं लेकिन मैं से हो नहीं पाया थोड़ी देर तक हाथ से खाने के बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं मेरे को चम्मच से ही खाना चाहिए और फिर इस बीच हमने बहुत लड़ाई की बातें क्योंकि इन मैडम से हमने एक महीने तक बात नहीं किया था तो पूरे एक महीने की इन्हें खुन्नस आज ही निकाल दी और इतनी लड़ाई की आज तक 6 साल से हमारी दोस्त है आज तक इतनी लड़ाई नहीं की इन्होंने जितनी आज मेरे से इन्होंने की है करते हैं हम लोग तो मज़ा तो पूरा लेते हैं ना उसका काम हम सब करवाते हैं
और जब मैं इनसे मज़े ले रहा था ना, इतने गुस्से से मेरे को देख रही थी ना, मेरे को डर लग रहा था कि भाई मैं क्या बोलूँ अब इसके बाद। मैडम को बाद बात में गुस्सा आ जाता था, तो इस बात में गुस्सा होकर वो जाने लगी, फिर बहुत मनाया हमने, तो अभी ये जाके रुकी। इतने मज़े लेने के बाद फिर मैंने डोसा खाना स्टार्ट किया, फिर मैंने मैडम का चेहरा देखा। मैडम का मूड एकदम सड़ा हुआ था, एकदम उतर गया था इनका चेहरा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ बातें करते हैं। तो फिर मैंने स्कूल की बातें की कि और बताए स्कूल कैसा चल रहा है और प्रोजेक्ट वोजेक्ट का क्या सीन है। तो फिर हमने बात करते करते इनका मन बहला लिया और फिर लास्ट में एक और प्रैंक कर दिया। तो गाइस आप व्लॉग में बने रहो, लास्ट में देखना कि इनके साथ कैसा प्रैंक हो, वो प्रैंक कैसे ये रो दिए लिटरली। तो गाइस व्लॉग में आगे तक बने रहो। और जो हमने डोसा खाया था उसका भाई मसाला एकदम बढ़िया क्रिस्प था। जो डोसा बनता है तो एक ना रहता है ना प्लेन ना ज़्यादा क्रिस्पी, तो बीच में था तो बहुत सही लग रहा था। और तीन टाइप्स के चटनीज थे, एक सांभर था, दो चटनीज थे, तो भाई बहुत अच्छा लगा। यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ का सेटअप बैठने बैठने का भी बहुत सही है। और थैंक्स टू राजेश भैया के, उन्होंने परमिशन दिया कि हम उनके टेस्टी टेस्टी का ब्लॉग बना सके, तो थैंक यू भैया सो मच। सो गाइस अगर आप कभी डिहरी आ रहे हो तो एक बार ज़रूर टेस्टी टेस्टी जाके ट्राई करो, क्योंकि वहाँ का वे ऑफ सर्विस क्लीनिनेस बहुत ही सही है। और जो स्टाफ से जैसे कि हम लोग बात करते हैं, किसी से इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी उनका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काइंड है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करो टेस्टी टेस्टी। सो गाइस फाइनली हमने डोसा खोज लिया है, आई मीन मैडम ने डोसा खा लिया है बहुत मुश्किल से। हमारी मैम बड़े लोग, हम छोटे लोग क्या कर सकते हैं। तो गाइस चलो आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट प्रैंक वाले सीन पे कि हमने इनके साथ क्या प्रैंक किया, कैसे प्रैंक किया। आ जाओ बिल ते को देना, हम जा रहे हैं, पहली बता रहे हैं पक्का ना, ठीक है चलो चलो भैया चलो हो गया, चलो बिल इसको देना, चलो हमको नहीं देना, हम नहीं देंगे, चलो पैसा भी नहीं जाना, पैसा दो, पैसा तो बिल दे, बिल दे, फोन छोड़ फोन छोड़ फोन छोड़ जा रहा, तू तो यार ए पैसा दे रे पैसा दे।